एमा को ये नहीं पता था कि वो कातिल उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। उसने फिर एमा की आस पर पानी फेरते हुए उस गाड़ी के टायर्स को पंचर कर दिया। फिर एमा जल्दी से उस गैराज से बाहर निकलकर एक बेसमेंट में अपने आप को छुपा लेती है। पर अब एक बार फिर से उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर चुका था और वो अंदर से उन कातिलों को देख रही थी। लेकिन तभी उस कातिल की नजर बेसमेंट की तरफ पड़ जाती है और वो एमा के पीछे पीछे आ जाता है। एमा उससे बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, लेकिन घर के अंदर अब दूसरा कातिल आ चुका था जो माइक की बॉडी को घसीटकर ला रहा था। वे दोनों कातिल एमा के बहुत नजदीक आ चुके थे, पर तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो जल्दी से कार के अलार्म को चालू कर देती है, जिससे वे दोनों गैराज की तरफ भाग जाते हैं। और इधर एमा जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी के पास चली जाती है। लेकिन अब वे कातिल ये जान चुके थे कि एमा ने ये जानबूझकर किया ताकि वो दोनों उससे दूर जा सके। इसका मतलब वे उसके काफी नजदीक आ चुके थे, जिसके बाद वे दोबारा से उसे घर में खोजने लगते हैं। लेकिन इस बार वो कातिल एमा के जाल में फंस चुका था और सीधा नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर उसे देखने आए दूसरे कातिल को भी एमा बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। पार्ट 7 के लिए लाइक और कमेंट करें।